आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। आज हम साउंड चैप्टर का पार्ट थ्री करेंगे। आई होप आप सभी ने फर्स्ट टू पार्ट्स देख लिए हैं। उसमें हमने बहुत से इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर किए हैं, जैसे साउंड के बारे में, कैसे वाइब्रेटिंग जो बॉडीज होती हैं साउंड प्रोड्यूस करती हैं, क्या क्या मीडियम होते हैं साउंड के प्रोपगेशन के लिए। सो ये सारे टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। आज की वीडियो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है। सो आप सभी को लास्ट तक देखनी है और इसको अच्छे से समझना है। कोई भी डाउट होगा तो आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट जरूर करें। सो प्रोसीड करते हैं। स्टूडेंट्स, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी पढ़ लिया है कि जो वाइब्रेटिंग बॉडीज होती हैं वो साउंड प्रोड्यूस करती हैं। वाइब्रेशंस के कारण ही साउंड प्रोड्यूस होता है। कंपन जिसको हम बोलते हैं, उसी के कारण साउंड प्रोड्यूस होता है। देन जो ह्यूमंस होते हैं वो भी साउंड प्रोड्यूस करते हैं। देन उनकी बॉडी में भी कोई ऐसा पार्ट है जो वाइब्रेट होना चाहिए, उसी की वजह से तो साउंड प्रोड्यूस होगा ना। सो आपको उस पार्ट को आइडेंटिफाई करना है। मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प कर रही हूँ। आपको थोड़ा सा लाउडली बोलना है कुछ देर के लिए, या आप कोई सॉन्ग सिंग कर सकते हो, या आप बस कर सकते हो लाइक अ बी की तरह, ठीक है। एंड वो करते टाइम आपको अपना हैंड अपनी थ्रोट पर रखना है। जैसे देखो इस इमेज में भी शो किया गया, इस इंडिविजुअल ने थ्रोट पर अपना हैंड रखा हुआ है। ऐसे दबाना नहीं है उसको, एक बार थोड़ा सा टच करके देखना है क्या आपको कोई वाइब्रेशंस फील हो रही हैं, ये आपको नोट करना है, ठीक है। आई होप आप अच्छे से इस एक्टिविटी को करेंगे। ओके, अगर आपने उस एक्टिविटी को करके देखा होगा तो आप सभी को पता चल गया होगा कि जब हम बोलते हैं या कोई भी गाना गाते हैं तब अपने थ्रोट पर हाथ रखने से हमें पता चला कि वहां पे क्या हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है। यानी कि अपने थ्रोट वाले रीजन में ही कोई ऐसा पार्ट है जो ह्यूमन में साउंड प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। सो उस पार्ट को क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स या फिर लैरिंग्स, ठीक है। उसको क्या बोल रहे हैं, वॉइस बॉक्स या फिर लैरिंग्स बोल रहे हैं। जब भी हमने अपनी फिंगर पुट की अपने थ्रोट पर, देन हमें एक हार्ड बम्प मिला जो क्या दिखाई दे रहा था, मूव होता हुआ दिखाई दे रहा था जब हम कोई भी चीज गटक रहे थे या फिर कोई भी चीज स्वेलो कर रहे थे, ठीक है। ये पार्ट, इसी पार्ट को हमने बोला है वॉइस बॉक्स, जहां से क्या हो रहा है, वाइब्रेशंस क्रिएट हो रही हैं और साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। अभी वॉइस बॉक्स होता कहाँ पे है, वॉइस बॉक्स होता है अपर एंड ऑफ विंड पाइप। हमारी बॉडी में दो पाइप होती हैं, विंड पाइप होता है, फूड पाइप होता है। विंड पाइप के थ्रू क्या होता है, विंड जाती है अंदर, हवा जाती है, और फूड पाइप के थ्रू हम जो भी फूड इनटेक करते हैं वो जाता है, ठीक है। देन जो हमारा वॉइस बॉक्स होता है उसमें दो वोकल कॉर्ड्स होती हैं, वोकल कॉर्ड्स होती हैं, स्ट्रेच्ड होती हैं उसके अक्रॉस, और वो इस तरीके से होती हैं कि वो नैरो स्लिट यानी कि थोड़ा सा गैप छोड़ रही होती हैं दोनों के बीच में। जैसे देखो ऐसे है ना, तो ये क्या है, गैप है उन दोनों के बीच में, सो दैट वो वहां से एयर का पैसेज हो सके। नेक्स्ट जो स्लाइड है मैंने उसमें इमेज इंक्लूड की है, उसको देख के आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे आपको ये क्लियर रखना है कि जो ह्यूमंस होते हैं वो साउंड जो प्रोड्यूस होती है वो वॉइस बॉक्स और लैरिंग्स उसको हम बोलते हैं, और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, विंड पाइप के अपर एंड पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे हमें दो इमेजेस दिखाई गई हैं, जिसमें एक इमेज में इंडिविजुअल ने अपने थ्रोट पर हैंड रखा है, ठीक है, ये वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट क्या है, ये यहाँ पे दिखाया गया है। ये क्या है, हमारा वॉइस बॉक्स, और जिसको हम लैरिंग्स भी बोल सकते हैं। यहाँ पे हमें पता है दो वोकल कॉर्ड्स होती हैं, ये हमारे क्या है, दो वोकल कॉर्ड्स हैं, ये कंप्लीट हमारा क्या है, वॉइस बॉक्स है और लैरिंग्स है। यहाँ पे बीच में क्या है, एक नैरो स्लिट है, गैप टाइप जिसको हम बोल सकते हैं, जहां से एयर पास होती है। जब भी लंग से एयर आती है, नीचे से
लंग से एयर इस स्लिट के थ्रू आएगी एंड जो वोकल कोर्ड्स हैं, एयर आने की वजह से ये जो वोकल कोर्ड्स है ना, इनमें क्या हो जाएगी, कंपन पैदा हो जाएगी, वाइब्रेशंस क्रिएट हो जाएंगी। वाइब्रेशंस क्रिएट होने की वजह से क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। इसी की वजह से क्या होता है, ह्यूमंस में साउंड प्रोड्यूस होगा। अभी जो मसल्स अटैच होती हैं वोकल कोर्ड से, वो उनको टाइट भी कर सकती हैं और लूज भी रख सकती हैं। जब भी वोकल कोर्ड्स टाइट होंगे, टाइट कोई भी चीज होती है, जैसे ये वाली चीज इतनी है, ठीक है, इसको हम और खींच के टाइट कर रहे हैं। टाइट कर रहे हैं तो मतलब उसको क्या कर रहे हैं, थिन कर रहे हैं, ठीक है, ये मतलब समझना है आपको। तो जब भी वोकल कोर्ड्स टाइट होते हैं, थिन होते हैं या फिर लूज या थिक होते हैं, तो जो हमारी वॉइस की क्वालिटी और टाइप होता है ना, वो अलग हो जाता है, ठीक है। तो हमें ये पता चल गया, जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो वॉइस बॉक्स के थ्रू होता है। वॉइस बॉक्स में भी क्या होते हैं, वोकल कोर्ड्स होते हैं जिनमें वाइब्रेशन होता है जब लंग से एयर फोर्सफुली उसके अंदर आता है, स्लिट के अंदर, ठीक है। ये सारा कॉन्सेप्ट साउंड प्रोड्यूस का था ह्यूमंस में। वोकल कोर्ड्स के बारे में और जो वॉइस बॉक्स है उसके बारे में पढ़ लिया है कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है। अब हम इससे रिलेटेड एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे वोकल कोर्ड्स की वर्किंग को देखने के लिए, ठीक है। सो चलो स्टार्ट करेंगे। अभी स्टूडेंट्स मैं आपको एक एक्टिविटी परफॉर्म करके दिखाऊंगी। इस एक्टिविटी को आप भी अपने घर पे इजिली परफॉर्म कर सकते हो और इसके रिजल्ट आप मुझसे शेयर कर सकते हो, ठीक है। सो इसके लिए हमें चाहिए एक पेपर जिसको मैंने मेजर किया है 10 सेंटीमीटर इस साइड से एंड 5 सेंटीमीटर इस साइड से, ठीक है। देन मेजर करने के बाद मैं इसको कट कर लूंगी और कट करने के बाद मेरे पास में ये इस टाइप का पेपर मुझे मिलेगा, ठीक है। इसको मैंने मिडल से फोल्ड कर लेना है बिल्कुल, ठीक है, ऐसे इस टाइप से बिल्कुल इक्वल फोल्ड करना है मुझे। देन मुझे यहाँ पे इसका जो मिडल पार्ट है यहाँ पे मुझे सेमी सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है। सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद में मुझे उस सर्कल को, जो सेमी सर्कल मैंने ड्रॉ किया है उसको कट कर लेना है एंड देन उसके बाद में मेरे पास कुछ इस टाइप का पेपर आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इस टाइप का पेपर मिलने के बाद में मुझे उसके दोनों साइड्स को फोल्ड करना है लाइक दिस, एक साइड को देन दूसरी साइड को मैं फोल्ड कर रही हूँ, ठीक है। ऐसे मैंने दोनों साइड से इक्वली फोल्ड कर लिया है। अब मैं इसको पेपर को ऐसे फोल्ड करूंगी, ठीक है, ऐसे मैंने इसको फोल्ड किया। नाउ अब मैं इसको, इस पेपर को अपनी फिंगर्स के ऐसे बीच में, ठीक है, ऐसे लेके जा रही हूँ। इस टाइप का स्ट्रक्चर आ जाता है, ठीक है। हाँ, अभी हमें क्या करना है, इसमें एयर ब्लो करके देखनी है। जैसे देखो मैं ब्लो कर रही हूं इसके अंदर एयर, मुझे यहां से एयर ब्लो करनी है। जब मैंने ब्लो की, आप सभी ने सुना भी होगा कि वहां से साउंड प्रोड्यूस हो रही है। सो आप सभी को भी एक्टिविटी परफॉर्म करके देखनी है और पता लगाना है कि साउंड प्रोड्यूस हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। जैसे इस एक्टिविटी में रिप्रेजेंट किया गया है कि साउंड एयर ब्लो करने के बाद साउंड प्रोड्यूस होती है, सिमिलर वे से हमारे जो वोकल कोर्ड्स होते हैं वो एक्ट करते हैं। अभी यहाँ पे दो इमेजेस पे दिखाई गई हैं। इसमें फर्स्ट इमेज में रबर बैंड्स का यूज किया गया है एंड सेकंड में जो हमने ये पेपर का यूज किया है जो हमने इस एक्टिविटी में शो किया था, ठीक है। सो इससे हमारा जो कैसे जो हमारे वोकल कोर्ड से वर्क करते हैं उसके बारे में हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से। हमने वोकल कोर्ड्स, वॉइस बॉक्स के बारे में काफी कुछ पढ़ लिया है। अब हम जानते हैं उनके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। जो मैन होता है उसमें वोकल कोर्ड का साइज होता है 20 mm और वो लॉन्ग होता है। विमेन में जो साइज होता है वोकल कोर्ड्स का वो 5 mm होता है, वो शॉर्टर होता है। ऑन द अदर हैंड जो चिल्ड्रन होते हैं उनमें शॉर्ट वोकल कोर्ड्स पाए जाते हैं। इसी की वजह से जो मैन, विमेन और जो चिल्ड्रन होते हैं उनकी वॉइस में डिफरेंट पाया जाता है। किसकी वजह से, ड्यू टू द डिफरेंस इन साइज ऑफ वोकल कोर्ड्स। सबसे ज्यादा लंबा किसका होता है साइज, मैन में होता है 20 mm लॉन्ग, विमेन में 5 mm
और वो छोटा होता है। चिल्ड्रन में भी वोकल कॉर्ड्स का साइज छोटा होता है, जिसकी वजह से उनकी आवाज में डिफरेंस पाया जाता है। ओके, इट्स ऑल अबाउट हाउ ह्यूमंस प्रोड्यूस साउंड। For watching this video and आप please इसको लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें एंड थैंक यू सो मच। आपने ये वीडियो कम्प्लीट देखी और आई होप आपको अच्छे से समझ में भी आई होगी। थैंक यू।